एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू वेरी इजी मल्टी स्टेप हेयर कट। आज के हेयर कट में लेंथ को ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ऊपर के बालों में स्टेप डालूंगी, क्योंकि बहुत दिन पहले इन्होंने हेयर कट लिया था तो सारे बाल एक जैसे हो गए हैं, कोई भी कट नहीं दिख रहा है। चलिए जल्दी इस वीडियो शुरू कर लेते हैं और दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये हेयर कट मैंने कैसे किया। एट फर्स्ट हेयर के ऊपर मैंने वाटर स्प्रे किया ताकि अच्छे से बाल गीला हो जाए। थोड़ी देर पहले इन्होंने हेयर वॉश किया था लेकिन अभी अच्छे से ड्राई हो चुके थे, तो ड्राई बालों पर कभी भी हेयर कट ना करें। उसके बाद मैंने बालों को सुलझा लिया, टैंगल फ्री कर लिया है। अब मैं वन लेंथ कर रही हूँ। नीचे से बाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, इसलिए बहुत कम कट करूँगी। जिनके बाल हेल्दी होते हैं, ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता है, तो उन लोगों के नीचे से बाल जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इन्होंने करीब 6 महीने पहले मुझसे ही हेयर कट लिया था लेकिन अभी तक इनके बाल ख़राब नहीं हुए हैं। सिर्फ 1/2 इंच मैंने निकाला है। सिर्फ ऊपर वाले स्टेप्स लंबे होके एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, जिससे कोई अच्छा सा लुक नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सेक्शन निकाल रही हूँ। आप चाहें तो वन लेंथ करने से पहले ही सेक्शन निकाल के उसमें क्लिप लगा लें। फ्रंट से वी शेप में एक सेक्शन निकाल रही हूँ और इस तरह से यहाँ पे एक क्लचर लगा दूंगी। एक और सेक्शन निकाल रही हूँ। आज 3 पार्ट में हेयर कट करूँगी। सेक्शन निकालने के बाद बालों में अच्छे से कोम किया। अभी मैं गाइडलाइन बना रही हूँ। एक बार गाइडलाइन बना के उसी पे सारा हेयर कट करेंगे। फ्रंट का हेयर भी इसी गाइडलाइन पे करेंगे। 180 डिग्री पे हेयर कट कर रही हूँ। सबसे पहले बीच वाले बालों में से एक सेक्शन लिया, उस पे गाइडलाइन बनाया। अब लेफ्ट के बालों को उसी गाइडलाइन को लेते हुए कट करूँगी और उसके बाद राइट में भी इसी तरह से करूँगी। गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हेयर कट करने से कभी भी बाल ख़राब नहीं होते, अच्छा सा लुक आता है। जिस तरह से पहले वाले पार्ट में हेयर कट किया, सेम उसी तरह से सेकेंड वाले पार्ट को ओपन किया और उसमें 3 सेक्शन छोटे छोटे से निकाले हैं। पहले बीच से स्मॉल सेक्शन लिया, नीचे से गाइडलाइन लेके उसे 180 डिग्री पे ले गई कॉम्ब करते हुए, देन आई एम कटिंग। इसी तरह दोनों साइड वाले हेयर को गाइडलाइन फॉलो करते हुए कट करेंगे। सबसे ज़रूरी बात, जब आप स्टेप्स डाल रहे हो तो क्लाइंट से आपको एक बार पूछ लेना है कि आपको कितने ऊपर तक स्टेप्स चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से काट देते हो, क्लाइंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर हेयर के मामले में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कटे हुए बाल को जोड़ नहीं सकते। मेकअप हो या ब्यूटी वर्क हो तो आप उसको सुधार सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले क्लाइंट से कन्फर्म कर लें। बैक साइड का हेयर कट हो चुका है। अब सारे बालों में अच्छे से कॉम्ब करूँगी और एक बार रीचेक करूँगी। बहुत अच्छे स्टेप्स आए। जिन लोगों के थिन हेयर हैं तो वो ज़रूर ये कट करवाएं, जिनसे उनके बाल थोड़े से हैवी लगेंगे। फ्रंट वाले हेयर को 2 बार में कट करूंगी। अगर आपके हाथ में एक बार में ही बाल आ जाए तो एक बार में ही कर सकते हैं, बट मैं स्मॉल सेक्शन इसलिए लेती हूँ कि कई बार फिंगर के बीच से बाल निकल जाते हैं, फिर कट भी ख़राब हो जाएगा और बार बार उसी पर ध्यान जाएगा। इस तरह से दोनों साइड से मैंने नीचे से गाइडलाइन लिया, अच्छे से कोम्ब किया और कट कर दिया। सेम प्रोसेस है, एक ही गाइडलाइन पे पूरा हेयर कट करना है और लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अब थोड़े से बाल बच गए हैं फ्रंट में, तो यहाँ पे आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि आपको फ्रंट वाले हेयर की लेंथ कितनी बड़ी रखनी है, क्योंकि कई लोगों को फेस के ऊपर बाल आना अच्छा नहीं लगता है, वो कम्फर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। इन्होंने भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवाया है तो मैंने इस तरह से कट किया कि सारे बाल एक में मिक्स हो जाएँ। एक बार मैं फ्रंट से भी आके रीचेक कर लूंगी।
बालों में यू शेप दे रही हूँ। जिनके बाल थिन होते हैं तो वहाँ पे आप यू शेप देते हैं तो बाल थोड़े से घने हैवी दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। और कई लोगों के बाल थिक होते हैं तो वहाँ पे वी शेप देंगे तो अच्छा लुक आएगा। अब मैं बालों पे ब्लो ड्राई करके सेट करूंगी। जिस तरह से हेयर कट किया है तो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको क्लिप लगा लेना है और उसी तरह से सेट करना होता है। मेरे पास बड़े वाले ड्रायर नहीं है तो मैं इसी से कर रही हूँ। तो आज के हेयर कट की सबसे अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक ही गाइडलाइन पर आप बाल काटते हैं तो समझने में भी मुश्किल नहीं होती है। हेयर के लेंथ छोटे नहीं होते हैं, आप ऊपर से स्टेप्स डाल सकते हैं। स्प्लिटेंस वाले हेयर जो हैं वो भी आपके निकल जाएंगे, ऊपर तक स्टेप्स डाल सकते हैं जिससे हेयर कट का लुक बहुत ही प्यारा सा आता है। तो आज का हेयर कट आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हेयर कट की वीडियो अच्छे से बना के आप लोगों के लिए लाऊं, लेकिन जब मैं काम करती हूँ तो पूरा ध्यान मैं वीडियो बनाने पे नहीं दे पाती। इसलिए आपको जहाँ भी लगे कि समझ में नहीं आ रहा या मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।